नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम दरिद्रो में। दर्शकों, हिमाचल में मानसून चल रहे हैं और बारिश का मौसम है, लेकिन हम आपके कार्यक्रम को रुकने नहीं देंगे और आज भी हम आप पहुंचे हैं ऐतिहासिक रिज मैदान पर। और दर्शकों, हर बार हम अपने इस कार्यक्रम में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। आज भी एक हम नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज उस विषय के बारे में हम बात करेंगे। उस विषय का नाम है स्वतंत्रता का संघर्ष और आज़ादी के मायने। तो दर्शकों, आइए लोगों से यहाँ पर बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है आज़ादी पे, इंडिपेंडेंस पे, और क्या कहना है उनका हमारे लीडर्स पे, हमारी आर्मी पे, और क्या सोचे उनकी। तो आइए अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आज़ादी की, और जैसे कि हम सभी जानते हैं आज़ादी किसी एक इंसान को नहीं मिली या किसी एक इंसान के संघर्ष से नहीं मिली है। आज़ादी की बात करते हैं तो हम लीडर्स की बात करते हैं, आर्मी ऑफिसर्स की बात करते हैं, और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया हमारे देश के लिए। तो आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आज हम इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर रहे हैं और जैसे कि हम सभी जानते हैं अगर हम आज़ादी की बात करें तो आर्मी का हम सबसे पहले नाम लेना चाहेंगे, लीडर्स का हम नाम लेना चाहेंगे। तो आपका क्या कहना है इंडिपेंडेंस पे और आर्मी क्यों ज़रूरी है हमारे देश के लिए? बहुत स्ट्रगल से हमने आज़ादी प्राप्त की है और इस आज़ादी को प्राप्त करना प्राप्त करके इसको मेंटेन करना ये हमारा धर्म है। और भाई इसमें तो कि हम डे बाई डे जो हो रहा है हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इतना सेक्रीफाइस किया है उनको, उनकी याद करते हुए हमें अपने इस देश की आज़ादी को बना के रखना है। हम गीता जी पढ़ें, गीता जी में सब कुछ लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को साफ तौर बताया है कि भाई तुम्हारा अधिकार है उस पर तुम रखो। वो कहता है मैं युद्ध नहीं करूँगा, उसको नहीं पता था, लेकिन आदमी हमारी संस्कृति इतनी ऊँची है कि अगर संस्कृति को मेनटेन कर रखें तो हम गलत रास्ते पर नहीं चल सकते। बिल्कुल, अगर हम स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें, काफ़ी लोग शहीद हुए हैं, हमारे जवान शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए, उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी है इस देश पे, तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, ये उन स्वतंत्रता सेनानियों की हमें स्मृति याद रखनी चाहिए किस प्रकार उन्होंने शहीद होकर इस देश को हमें स्वतंत्रता दिलाई है। देश के जवानों के बारे में अगर आप बात करें तो वो बड़े महान हैं। जय जवान जय किसान का नारा मुझे याद आता है कि भाई जिन्होंने जाके, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, देखिए हमारी तरफ डर तो बैठा ही हुआ है, और वो लोग दिन रात क्या कहते हैं मेहनत करके हमें, हम यहाँ नींद की, आराम की नींद सोते हैं पर वो बेचारे ठंड में भी जागते हैं। तो अगर हम संघर्ष की बात करें तो कहा जा सकता है कि हमारे जो देश प्रेमी है, देश की आर्मी है, वो बहुत संघर्ष करती है और अपनी बहुत ऊँची है, उनके संस्कार बहुत ऊँचे हैं। देखिए मैं भी भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैंने वहाँ से एक चीज़ तो सीखी है, डिसिप्लिन। तो मैं अपने यहाँ अपने लाइफ में आने के बाद कोई डिसिप्लिन के बगैर कोई काम मैं नहीं चाहूँगा करने ना, और आदमी और वो देश तरक्की करेगा जहाँ डिसिप्लिन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। दर्शकों, हम आज़ादी की बात करते हैं, स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, तो एक अगर सीढ़ी की हम बात करें तो वो है यूथ, बच्चे। तो आइए यहाँ के बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है इंडिपेंडेंस पे, आज़ादी पे, और क्या समझते हैं वो। तो आप सभी जानते हैं जैसे कि हम इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाते हैं और कई सारे कार्यक्रम भी होते हैं और आर्मी भी हमसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या समझते हैं इंडिपेंडेंस से और आज़ादी के लिए आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है कि आजकल लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, तो लड़कियों को भी बाहर निकलना चाहिए। लड़कियां भी आजकल आर्मी में जा रही है, बड़े बड़े नाम रोशन कर रही है, तो मेरा तो ये कहना है कि लड़कियों को भी सब कुछ करना चाहिए। अगर हम आर्मी की बात करें तो आर्मी कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और अगर हम इंडिपेंडेंट राइट्स की बात करें, सिटीजन राइट्स की बात करें, तो उससे आप क्या समझते हैं? आर्मी हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम घर में बैठे हैं तो अगर बॉर्डर पे लड़ाइयाँ हो रही है तो वही देखते हैं, वो हमारे देश के लिए शहीद होते हैं, और हम आर्मी का बहुत ज़रूरी है इंडिया में होना। आप क्या समझती हैं आर्मी वालों से, और आर्मी वाले क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए, और अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें, आज़ादी की बात करें, तो आप क्या समझती हैं आज़ादी से? आर्मी वाले क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, कि लेडीज़ वगैरह कम नहीं होते लड़कों से, लेडी से भी आगे होती हैं बहुत। मतलब आपका कहना है कि औरतों को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए।
औरतों को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए और जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उन्हें अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए और आगे जाना चाहिए। दर्शकों, बच्चों से जब हम बात करते हैं तो नए पहलू हमें मिलते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि लड़कियों को भी किसी से कम नहीं समझना चाहिए और आगे से आगे बढ़ना चाहिए लड़कियों को। तो आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, जैसे कि हम आज़ादी की बात करते हैं, स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, तो जब हम स्वतंत्र हुए थे उस टाइम बहुत सारे लोगों का हाथ था। अगर हम लीडर्स की बात करें, आर्मी की बात करें और आम नागरिकों की भी अगर हम बात करें, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को जो हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस है उसकी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये जो हमारा आंदोलन था, ये लंबे संघर्ष के बाद, चाहे वो मुगलों की 1000 साल की गुलामी हो, चाहे अंग्रेज़ों से 300 साल की लंबी लड़ाई हो, उसमें चाहे हमारी माताएँ, बहनें, किसान और हमारे जो नौजवान हैं, उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया और उसके कारण ही हमें आज़ादी मिली। उसमें यदि बात करें हम, तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी की, जिन्होंने हर तबके को इस देश के, चाहे वो हमारी माताएं, बहनें हो या जिस प्रकार से हमारा देश बटा हुआ था, उन्होंने सभी लोगों को इकट्ठा कर एक छत्र किया। चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या नमक का कानून हो, दांडी यात्रा हो, और बात करें यदि असली तौर पर जिन्होंने यहीं नहीं विदेश में जाकर भी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वास्तविकता में सबसे ज़्यादा यदि किसी का योगदान है तो उन्होंने किस प्रकार विदेशों में जाकर हमारे जो लाखों सैनिक जो अंग्रेजों की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, विदेशों की जेलों में उन्हें ठूस दिया गया था, वो वहाँ पर जाते हैं और उन, चाहे वो जर्मनी की बात हो, चाहे रशिया की बात हो, जापान की बात हो, उनसे बात करते हैं कि हमें अब अंग्रेजों के लिए नहीं, अपने देश की आज़ादी के लिए हमें लड़ना है। और जो हमारे सैनिक थे उनसे उन्होंने अपील की, तो सभी उन्होंने वहाँ जो हमारे सैनिक थे, बंदी थे, उनको आज़ाद किया गया वहाँ की सरकार के द्वारा और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। और उसी के कारण जब 1946 में यहाँ पर उन्होंने जो हमारा आसाम वगैरह था, सेवन सिस्टर से जब उन्होंने हमला किया, तो अंग्रेज इतने डर गए, बौखला गए, उसके कारण उन्होंने निर्णय लिया इस देश को आज़ाद करने के लिए। उससे पहले की यदि बात करें तो बात करते हैं उसमें हम भगत सिंह सरदार हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, उससे पहले की बात करते हैं 1857 की क्रांति की, चाहे झांसी की रानी हो, तांत्या टोपे हो, मंगल पांडे हो, तो ऐसी अनगिनत सैकड़ों हजारों लाखों लोगों के बलिदान से हमें ये आज़ादी मिली है। और उसी आज़ादी का फल है कि आज दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र आज भारत है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी है, हमारी विभिन्न संस्कृतियाँ इस देश के अंदर हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, परंतु जब देश की बात आती है, तिरंगे की बात है, तो एक ही नारा गूंजता है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बिल्कुल सर, जैसे कि हम भारत एक की बात यहाँ पर कर रहे हैं और आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम आज भी आज़ादी की बात करें और आज़ाद रहने की बात करें, तो हम अपने जवानों की बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं, तो सर अगर मैं बात करूँ हिमाचल की, जैसे कि अभी इसी वक्त हम हिमाचल में हैं, तो हिमाचल से भी ऐसे कई सारे सोल्जर्स हैं, आर्मी वाले हैं, जिन्होंने अपनी जान का सेक्रीफाइस किया है, लड़ रहे हैं अभी भी हमारे प्रदेश के लिए, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? सबसे पहले हिमाचल जहाँ देवभूमि के नाम से जानी जाती है, वहीं वीर भूमि के नाम से भी जानी जाती है। 1948 में सबसे पहले इस देश के लिए किसी ने बलिदान दिया तो मेजर सोमनाथ शर्मा, जो हिमाचल के रहने वाले सबसे पहले, और परम विक्र चक्र यदि किसी को मिला तो हिमाचल के वीर भूमि के इस सपूत को मिला। यदि उसके बाद कारगिल लड़ाई हो, 1962 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, और कारगिल की लड़ाई में तो सबसे ज़्यादा यदि किसी ने बलिदान दिया तो हिमाचल के जवानों ने सबसे ज़्यादा बलिदान दिया। और 3 परमवीर चक्र मिलते हैं, जिसमें 2 परमवीर चक्र हिमाचल को मिलते हैं, चाहे विक्रम, कैप्टन विक्रम बत्रा की बात हो, या राइफल मैन संजय कुमार की बात करते हैं, जो अभी भी अलाइव है और बिलासपुर के रहने वाले हैं। तो हिमाचल की जब सेना की बात आती है, आर्मी की बात आती है, तो हिमाचल के हर नागरिक का सीना चौड़ा हो जाता है। आज यदि देश हमारा सुरक्षित है, तो जहां पूरे देश की जो सुरक्षा बल है, चाहे हमारे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे आर्मी हो, या वर्तमान के अंदर चाहे अग्निवीर हो, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के यदि किसी ने भाग लिया है इस देश की एकता और अखंडता के लिए, देश के बलिदान देने के लिए, तो हिमाचल का नाम उसमें सभी से ऊपर आता है। तो दर्शकों, आज हम रिज मैदान पे हैं और जैसे कि हम सभी जानते हैं, रिज मैदान पर ना सिर्फ हिमाचल के लोग होते हैं बल्कि देश दुनिया से आए हुए लोग होते हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है आज़ादी के बारे में और वो क्या समझते हैं आज़ादी के बारे में और उनके लिए क्या मायने हैं आज़ादी के।
लिए। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं आज़ादी के बारे में। जब भी हम आज़ादी की बात करते हैं तो सबकी समझ अपनी है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं आज़ादी के बारे में और आज़ादी के मायने आपके लिए क्या है? पहली गल तो ये जी, सानू जी आज़ादी आ बहुत ही औखी मिली आ। बहुत सारे साढ़े बड़े मतलब योधे जिहड़े ओह कुरबान अपनी जानां दीआं कुरबानियां दे के सानू आज़ादी दवाई है। बट जो आज़ादी उन्होंने सानू दवाई सी प्रोपर, उन्होंने अपनी मतलब जानां तक गवातियां, पर असीं उस नूं प्रोपर नहीं माण पा रहे। तो आज़ादी लई सरदार ऊधम सिंह जी, सरदार भगत सिंह जी, सरदार लाला लाजपत राय जी, महात्मा गांधी जी, जिन्हां दा बहुत ही ज़्यादा जोर लग्या सीगा, तो आज़ादी दवाण पिछे उन्होंने अपनी जानां तक कुरबान कर दित्तियां। मतलब कह सकते हैं भी 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की उम्र च फांसी के रस्से में चुमना कोई सौखी गल नहीं हैगी। जेकर उन्होंने सानू आज़ादी दवाई है तो साडा हक बनता, असीं उसनू प्रोपर माणीए तो उसनू प्रोपर वे नाल देखिए। आपां देख ही सकते हैं, आपां कहण च आज़ाद हाँ। अजकल कोई भी कुड़ी या कोई भी धी भैन बाहर सरेआम नहीं घूम सकती, शॉर्ट्स नहीं पा सकदियां जिवें अदर कंट्रियां च हुंदियां ने, बट ये चीज़ां होनियां जरूरी सीगियां। बट मैं टीच करदा, वैसे मेरा प्रोफेशन टीचर आ। मैं एक बुक के पिछे लिखा हुआ सीगा भी एक नंबर दिता हुआ सीगा उन्होंने 1008। उहदा मतलब ये सीगा भी जेकर किसी भी स्टूडेंट नूं, किसी कुड़ी नूं कोई टीचर या कोई बच्चा या कोई शरारती अंसर तंग करता तो तुसीं उस ते कॉल कर सकते हो। तो इत्थों पता लगता भी आपां किन्ने क आज़ाद आ, भी जिथे शिक्षा दे थां इहो जिहियां चीज़ां, इहो जिहियां हरकतां होण लग गईआं तो आपां की आज़ाद हाँ? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं आज़ाद हैगे। बट अज कुछ क हद तक असीं आज़ादी मान रहे हैं, तो उन्हां योधिआं दी करके मान रहे हैं, असीं आज़ाद घूम रहे हैं। तो मैं सारे दर्शकों नूं ते सारे मतलब भारत देश नूं इह गुजारिश करना चाहूँगा, जेकर सानूं आज़ादी मिली है तो उसनूं प्रोपर वे नाल माणिआ जावे, अदरवाइज़ उसका गलत नजायज़ फायदा ना उठाया जाए। मतलब अगर हम सीधा सीधा कहें तो आज़ादी तो हमें मिल गई है, लेकिन मानसिकता को भी आज़ाद करना भी ज़रूरी है। तो दर्शकों देखिए, आज हम बात कर रहे हैं यहाँ के लोगों से, और साफ साफ लोगों का कहना है कि आज़ादी तो हमें मिल गई है, लेकिन मानसिक तौर पर अगर हम कहें तो आज़ादी मिलनी ज़रूरी है और अपने आप को आज़ाद करना ज़रूरी है। सर आज हम बात कर रहे हैं आज़ादी के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, इंडिपेंडेंस के बारे में। तो हम जैसे कि जानते हैं, जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो कई सारे नाम हमारे सामने आ जाते हैं, और साथ ही अगर हम आज़ादी की बात करें तो कई सारे पहलू भी हमारे सामने आ जाते हैं। तो आप क्या कहने चाहेंगे आज़ादी के बारे में, इंडिपेंडेंस के बारे में, और अगर हम लोगों की बात करें, इंडिपेंडेंस की बात करें, सुविधाएं की बात करें भारत में, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे जो इंडिपेंडेंस में जितने भी जो शहीद हुए हमारे फौजी जवान भाई लोग, और काफ़ी लोगों ने सक्रीफाई किया हुआ है शहीदों ने, और हमेशा उनका सहयोग रहा। और जैसे आपका, जैसे जम्मू और कश्मीर बॉर्डर के हर एरिया में उनका पूरा तैनात भी रहते हैं, और हमें सुरक्षा से लोगों से मतलब सुरक्षा में बल को मतलब सहयोग देते हैं कि कल को फौजी जो भी होते हैं बेचारे, उन्होंने काफ़ी सेक्रीफाई किया होता है। उनके कई शहीद हुए, जैसे किन्नौर से है या शिमला, कई हर जिले से देखो हमारे कई भी जो शहीद हुए फौजी हमेशा अमर रहे, मगर उनका सेक्रीफाई उनके परिवार को भी करना पड़ता है। तो हमें कभी भी फौजियों को नहीं बोलना चाहिए, और फौजी ऐसी चीज़ है कि हमें सहयोग हमें उनका हमेशा मिलता है। हम आज हम आज़ाद जो घूम रहे हैं उनके कहने उन्हीं के उस पर घूम रहे हैं हम, क्योंकि बॉर्डर एरिया है जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, जैसे किन्नौर के बॉर्डर एरिया है, जैसे चाइना के साथ जो अटैच है हमारे, वो पूरा एरिया ऐसा है कि बॉर्डर एरिया है, तो हमारे को मतलब पूरा सहयोग देते हैं हमारे फौजी जवान लोग, चाहे ITB का हो, चाहे BSF का हो, चाहे कोई भी हो, अदर होम डिपार्टमेंट से हो, सुरक्षा बल के, तो उनका सहयोग हमेशा रहता है। अगर हम आज़ादी की बात करें और विकसित भारत की बात करें, तो सबसे बड़ी अगर हम बात करें आज़ादी की, तो हमें वोटिंग राइट्स मिली है हमारे भारत में। और जैसे सर आप किन्नौर से हैं, तो हम जैसे कि जानते हैं पहले वोटर भी किन्नौर से ही थे, तो क्या कहना है आपका कि ये कितना बड़ा इम्पोर्टेंट राइट है हमारा आज़ादी मिलने पर? देखो हमारे को जो आज़ादी मिलने के बाद हमारा जो वोटर आई कार्ड है वो हमारी एक पहचान है। हम जैसे कि कोई भी स्वतंत्रता में जब आज़ाद हुए थे, तो उसके बाद जो वोटर जब मिला गया, तो वो हमारे को हमारा अधिकार है वोट देना। सबसे जो हमारे लेट श्याम शरण नेगी जी थे, वो कल्पा के थे, तो वो पहले वोटर थे जो 109 साल के थे, अब वो रहे नहीं रहे, मगर उनका नाम रहेगा हमेशा। तो उन्होंने काफ़ी हमें सहयोग दिया, और उन्होंने हमारे को संचालक किया, और हमेशा हमारे को मतलब मार्गदर्शन दिखाया कि एक वोट देना हमारा अधिकार है, और हमेशा अधिकार ही रहेगा।
आज हम आज़ादी की बात कर रहे हैं और स्वतंत्रता की हम बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम आज़ादी की बात करते हैं तो कई सारे नाम हमारे सामने आते हैं, और अगर हम आज़ादी की बात करें तो सबके लिए उसका अलग मतलब है, लेकिन आज़ादी एक है। तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में और आज़ादी के बारे में? सरदार भगत सिंह जी 1947 में देश आज़ाद करवाया था, वो उनकी उम्र उस वक्त 20 से 22 साल थी। वो देश के लिए बहुत उन्होंने काम किया, स्वतंत्रता दिवस के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया है, सारी दुनिया उनको प्रणाम करती है। वो बहुत अच्छे इंसान थे, उन्हें आज़ादी के लिए अपना सारा बलिदान दे दिया, फांसी भी चूम के रस्से भी चूमे तीन जने से। वो बहुत अच्छा काम करके गए, देश को आज़ादी उन्होंने दिलाई है। और वो हम पंजाब से आए हैं, अमृतसर से घूमने के लिए शिमला, बाकी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। आज़ादी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, बंदे मा धर्म। तो दर्शकों, जब भी हम बात करते हैं देश की बात हम करते हैं तो हम यूथ की बात करते हैं, क्योंकि जो यूथ है वही हमारा फ्यूचर है। तो आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, और यूथ से थोड़ी सी हम ज़्यादा बातचीत करना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है आज़ादी के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में। तो सर, जब भी हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, तो कई सारे नाम हमारे सामने आते हैं, आपके सामने भी कई सारे नाम आते होंगे, तो क्या ऐसा कोई नाम है जिसके बारे में आज आप बात करना चाहेंगे? बड़ा ही नमस्कार पहले तो सारे नु। हाँ जी, भगत सिंह जी जेडे साढ़े कि जिन्होंने आज़ादी लई अपनी जान की कुरबानी दी है साढ़े देश आज़ाद करने लई। तो बाकी हूँ साढ़े जोड़े अपने सोल्जर ने बॉर्डर से तनाव होए ने, चाइना बार्डर अपना इन्हें अपने बर्फ के भी ड्यूटी कर रहे हैं जान की कुरबानी दे के। तो सानू भी साडा भी फर्ज बनता कि असी भी अपनी ड्यूटी करिए। तो जिन्ना भी जो क्राइम हो रहा है, जरूरी नहीं कि पुलिस वाले ड्यूटियाँ वो ही उही क्राइम को घट करे, तो साडा भी बनता कि फर्ज कि आप भी क्राइम को घट करिए, क्योंकि जी वायलेंस हैगी है साडे करके क्रिएट हो रही है कि जिदा गलत काम कर रहे आप उस करके हो रही है। जे असी सुधरांगे तो देश भी साडा अगे तो अगे होर जाके वधिया बनूगा। इस करके मेरा सारे यही है कि अपनी अपनी ड्यूटी निभाओ। धन्यवाद मेरी। सर, अगर हम आज़ादी की बात करें, और छोटा सा प्रश्न है मेरा कि अगर हम आज़ादी की बात करें तो आप क्या समझते हैं आज़ादी से, और आज़ादी का महत्व आपके लिए क्या है? मैडम, आज़ादी का मैडम, अगर हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ होता तो आज हम गुलामी कर रहे होते। जैसे पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग जी से जो उनको कैसी कैसी सजाएं दी जाती, काला पानी की जेलों की सजा दी जाती थी, और जो एक भील बनाए होते थे उनमें कीले गाड़ी होती थी, उनमें उनको कीलों में टांगते थे। तो आज देख लो मैडम कि एक आज़ादी करके आज सारे लोग जितने भी है देखो फ्री घूम रहे हैं, अपना किसी को कोई वो नहीं है कि किसे डर है खौफ है, सब अपना हर किसी का अपना एक मतलब कि अपने आधार पे घूम रहे हैं सारे, कि किसी से डरने की बात नहीं है। तो मैडम उनकी, हाँ जी बिल्कुल सर, अगर हम मतलब अगर कहा जाए तो जो हमें आज़ादी मिली है उसका हमें सम्मान करना चाहिए और उसी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल मैडम, हूँ आज़ादी मिली है ये भी साढ़े हाथ से या गवा लो या सुधार लो, क्योंकि जिन्ना असी इस चीज़ पर मेहनत करेंगे कि मतलब कि है तो साडा देश ही है ना जी भारत, साढ़े से आके लोग अंग्रेजा ने अपना रोह जमाया, ठीक है सानू अपने अंडर रखिया। एक टाइम च अपना इंडिया सोने की चिड़ी होंदा ही, कोई नूर जिहड़ा हैगा अज इंग्लैंड च हैगा पहले इंडिया का होंदा ही, ठीक है। साढ़े उन्होंने बजुर्गों ने लड़ाई की आज़ादी लई, श्री महात्मा गांधी जी जिन्हां ने सारे नूं आज़ादी रस्ते दे चलाया, ठीक है जी। अज उन्हां सारे थैंक यू करते, नहीं तो आप अज चैन की सांस नहीं ले पैनी जे अभी आज़ाद नहीं होंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगी आज़ादी के बारे में? एक्चुअली गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माय व्यूज आर डिफरेंट अबाउट द इंडिपेंडेंस डे। Like we all today talk about the independence for the army officers or the citizenships, but I think the most important topic, which is not actually more valid or more valuable, that is the independence of the ladies, of the household workers. That the ladies which are working in households are not much independent that we are. And even though people in the house, like we normal ladies, we are too congested and restricted in our own houses. Like we can't go to other places without asking the permission of our in-laws, or even though more of our relatives or friends. So I think that we are more compromised by the society and the nation. So I think we should first of all get the main objective that we should get independent ladies before,
and after that the male staff and the male members and all the citizenships, they will get independent. So I think that the ladies and the women should get independence in their own houses, and they should be more, you know, get to the point, and they should be more valuable, and they should more get to the opportunities they are not able to grab in our own country, our India. So I think this is the main topic we should talk about, rather than talking about the army officers and other point of views. So that is all I want to tell you. So any message you want to give to our youth these days? I think nowadays we are looking forward on social medias that our youth is more like getting away with, like, we don't even care. Like the women's or the male members, which were before, they were so, they were so concerned about their well-being, about their character, about their self-respect. But nowadays, ladies and girls, they have no problem with their self-respect. They are roaming here and there without their. I'm not actually justifying, or I'm not saying that I'm characterifying their character. But it is a very important issue that we should have a self-respect. We should have a character. The women which were before, they have a unique character, they have a unique self-respect in amongst us. But nowadays, women and girls are like, they have a very cringe view about the society. They just want independence in various fields. Like, they just want to roam here in open clothes. I think that is not the, that is very bad. We should wear traditional clothes. That is very important. Because I'm not saying that it is your wish. It's your body. It's your clothes. You can wear whatever you want to wear. But still, we should have to look to other, like, the citizenships, like the other members, which are the senior citizens. They actually have a very big issue with the society, with the girls, that they're wearing such types of clothes in outside. And then the cases have been raised, like rape cases or robbery cases. So I think they will be compressed if we wore properly. तो दर्शकों, आज रिज मैदान पर हमने आज़ादी की बात की, इंडिपेंडेंस की बात की, और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब यहाँ पर मॉनसून होते हैं, हम रिज मैदान पर है, तो सिर्फ हिमाचल के लोगों से बातचीत नहीं होती है, बल्कि हिमाचल के अलग अलग रंगों से, बल्कि देश दुनिया के अलग अलग रंगों के बारे में बात होती है, और बात होती है अलग अलग लोगों से। तो आज हमने बातचीत की, लोगों की राय के बारे में जाना, इंडिपेंडेंस के बारे में हमने जाना, आज़ादी की बात की, और जिस तरह से हम सभी ने जाना कि आज़ादी हम सभी के लिए बहुत महत्व रखती है, और हमें उस आज़ादी को बरकरार रखना है, और अपनी ड्यूटीज़ को देश के लिए हमें पूरे सम्मान के साथ करना है, और उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। तो दर्शकों, आपके लिए क्या महत्व है आज़ादी का, आप भी सोचिए, और ज़रा सोचिए कि आप क्या कदम उठाते हैं। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, लेकिन अगली बार आपके सामने हम एक नए कार्यक्रम के साथ आएंगे, एक नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार।